हेलो एंड वेलकम टू वॉन्ड्रिंग पीएस। सो माउंट बटोर एंड एटीवी राइड होने के बाद इट्स ऑलरेडी आफ्टरनून एंड अभी निकले हैं हम अपने थर्ड प्लेस की ओर। सो वी आर गोइंग टू तमन दीदारी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस इन उबुद। सो तमन दीदारी मीन्स एंजल्स पार्क। गाइस हम एटीवी राइड करके हम थोड़ा रिफ्रेश होने घर पे आए थे अपने बिला। फिर वहाँ से हमने सोचा अल आश्रम जाते हैं, बट फिर वहाँ गए थे कभी वो रात में भी ओपन है। जो तमन दीदारी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो यहाँ पे बहुत काफ़ी पिक्चरिस्ट रेस्टोरेंट है और वहाँ पे वो काफ़ी फेमस है। वहाँ पे दो स्टैचूज है, अभी हम जा रहे हैं तो आप देखोगे तो आपको क्यों फेमस है। वो बहुत ही सुंदर है बहुत रेस्टोरेंट है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे लोग उसका एम्बियंस देख कर जाकर जाते हैं। अभी हम बस उसी के रास्ते में चल रहे हैं, फिर यहाँ से हम जाएंगे आसर। और दूसरा ये प्लेस सनसेट के लिए भी फेमस है। सो इफ़ यू वना विजिट तमन दीदारी तो आप सनसेट के टाइम पे जाना तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। सो बाली में तीसरा दिन है, अभी तक तो सनसेट मिला नहीं था। सो वी आर होपिंग कि आज हमें सनसेट देखने को मिलेगा यहाँ पे तमन दीदारी में। तो चलते हैं देखते हैं क्या है तमन दीदारी। तो तमन दीदारी पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद सनसेट के लिए वेट किया, बट स्टिल वही सेम थिंग। आज भी क्लाउडी था मौसम तो सनसेट आज भी नहीं देखने को मिला अच्छे से। सो अभी चलते एक नए प्लेस की ओर। आज की आइटनरी में अपने 3-4 प्लेसेस थे, सो ऑलरेडी वी कवर 3 प्लेसेस। सो अभी चलते हैं आज के लास्ट प्लेस की ओर जो है आलस हरम। सो इन आलस हरम यू विल गेट टू सी राइस टेरेस एंड एंट्री में ही उसका आपको डे क्लब है, क्रिएटिया डे क्लब, देयर ऑल्सो यू कैन विजिट। एंड दिस अलस हरम ऑल्सो हैज नंबर ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज जैसे कि जिप लाइन, स्काई बाइकिंग एंड मोस्ट फेमस स्विंग इंस्टाग्रामेबल स्पॉट भी है यहाँ पे बाली में। सो अलस हरम में एंट्री के लिए टिकट अलग लेना पड़ेगा आपको बाहर से ही, एंड आपको एक्टिविटीज करनी है उसके लिए आपको अंदर जाके उस यू कैन सी दी नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से टिकट्स ले सकते हैं। सो या चलते हैं अपने फोर्थ प्लेस की ओर।